देखो खरगोन जिले में टिड्डी के आने की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ दल गठित कर दिए गए हैं। बढ़वा है सदावत साइड की जो आरईओ हमारे हैं, एसडीओ हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में हैं और सतत भ्रमण कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके उन्होंने कल भी देखा था, आज भी चेक कर रहे हैं और बलवाड़ा वाला एक टीम हमारी कंप्लीट बैठी हुई है। अब टिड्डी दल के आने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारे गाँव के किसानों से हमने ट्रैक्टर्स किए हैं और ट्रैक्टरों में जो है पावर स्प्रे पंप लगाए हैं, पंप के वहाँ दवाई उपलब्ध कराई है, दवाइयों की हमारी पूरी व्यवस्था है। उसके बाद जिला प्रशासन जो है फायर ब्रिगेड और आदि की व्यवस्था कर रहा है। फायर ब्रिगेड के माध्यम से भी हम जो है टिड्डी दल को नियंत्रण करेंगे। अभी शाम को उनका जो बैठने का टाइम है वो 6 से 7 के बीच में है। जहाँ भी अंधेरा होता है वो वहाँ बैठ जाती है और सुबह वो 7 बजे के लगभग उड़ान भरती है। तो जहाँ वो बैठेगी वहाँ सुबह दिन में रात्रि के 4 बजे से जो है दवाई का स्प्रे शुरू किया जाएगा और उनको अधिक से अधिक संख्या में कंट्रोल किया जाएगा, उनको मारा जाएगा। सर कुछ और दल भी आने की संभावना जताई जा रही, 6 से 7 दल इसके बाद और भी आने के? हाँ, मैसेज ऐसा मिल रहा है कि राजस्थान से लगातार ये दल अपने मध्य प्रदेश पर आने की संभावना है। तो परसों का एक दल आ गया है, एक दल आज आ गया है, 2 दल तो आ चुके हैं, और भी आने की संभावना आशंका जाहिर की जा रही है। तो उसके लिए हम पूरी तरह अलर्ट हैं, तैयार हैं। हमने किसानों से कहा कि कई प्रकार की दवाइयाँ जो है उनको बता दिया गया। आज पेपर और मीडिया के माध्यम से भी हमने किसानों को सचेत किया है कि आप जो है क्लोरोपाइरीफास दवाई का छिड़काव करना है, लेप्रासाइन हेलोथ्रिन का छिड़काव करना है, जिबेरम का छिड़काव करना है। इस प्रकार जितने भी कीटनाशक हैं जो कारगर सिद्ध होते हैं उनका स्प्रे के लिए हमने किसानों को सलाह दी है और हमारी पूरी उसके साथ तैयारी है।